जितने लोगों ने अमेजोन वाला शो देखा उन्हें पता होगा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, तो ताली बजाने की बात है, सिर्फ तैयारी करता था मैं, वो भी अभी सुनोगे आप क्या करता था मैं। मुझे ना बचपन से लगता था कि मैं आईपीएस ही हूँ। मुझे लगता था बस ग्रेजुएशन करूंगा, मुझे हाथ में वर्दी पकड़ा देगा, जाओ ड्यूटी पे जाओ। हाँ आए नहीं वो लोग, तो हम पांचों घर में पड़े रहते थे। तो मैंने एक दिन ऐसे बोला पंडित को, मैंने कहा पंडित तुझे याद है मैं कॉलेज में आईपीएस बनना चाहता था? कह रहा हाँ हाँ, हम बहुत प्राउड फील करते थे। मैं कहा क्यों? कह रहा भाई हम में से तो कोई चाहता भी नहीं था ना। ओह लाइक दैट। मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ आईपीएस बन जाऊं। कह रहा बन जा। मैं कैसे बनते हैं? कह रहा मुझे क्या पता। तो फिर हमने पता किया, एक डेढ़ महीना तो पता करने में लग गया। फिर हमें पता चला यूपीएससी एग्जाम कराता है एक, यूपीएससी तो पता होगा सबको प्लीज। मैं ना पहले पूछता नहीं था यूपीएससी के फुल फॉर्म, मुझे लगा ये तो पता ही होगी, पापा तो सबके घर में होते हैं, एक आधी बार तो बता ही देते ना यूपीएससी कर लो। साउथ एक्स में शो कर रहा था, सामने एक लड़का बैठा, 12th में 96% आए थे उसके। मैंने उससे पूछा यूपीएससी के फुल फॉर्म क्या? कह रहा उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट। खड़े हो जाओ बेटा, भाग के जाओ, सीबीएसई को 20% वापस कर जाओ। ये मेरे हो ही नहीं सकते, किसी और की गलती से चढ़ गए। मैंने कितने सुप्रीम कोर्ट है देश में? मेरा 5 तो होंगे ही। तेरा बाप खोल के बैठा। तो खैर हमें पता चला यूपीएससी एग्जाम करा था, 3 पार्ट में होता है, ऐसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। मैं कहा ये कर लेते हैं, ये तो हो ही जाएगा, इसमें क्या है, फेस टू फेस देखते हैं क्या बात करेगा। तो 5-6 दिन मैंने फेसबुक से तैयारी करी इंटरव्यू की। नहीं गाइस, आई एम एक्सप्लेनिंग, फेसबुक पर क्वेश्चंस आते थे उस टाइम, ठीक है ना? हाँ, और ग्रुप्स में हर जगह आते थे, और हंसने की कोई बात नहीं इसमें, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन होते थे वो। हाँ ऐसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे बोले कि खिड़की से कूद जाओ, तो खिड़की पर चढ़ के अंदर कूदना है। हाँ वहाँ चूते की तरह जान नहीं देते अपनी। पता चला वो लिख रहा आपका सिलेक्शन, मर गया क्या ये वाला भी? सुबह से 4 मर गए यार। क्वेश्चन बदलना पड़ेगा। वैसे तो 10-12 क्वेश्चन थे, मैंने सारे रट लिए। मैं कहा चलो इंटरव्यू तो हो गया, घर पे बता दिया इंटरव्यू तो हो गया। इन चारों ने अपने अपने घर बता दिया बस एक इंटरव्यू हो गया। फिर इंटरव्यू के बाद मैंने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करी। प्रीलिम्स की तैयारी से जस्ट पहले मुझे किसी ने बताया कि अकेले रह के होती है, ऐसा झुंड में नहीं रहना होता है। तो मैंने इन चारों को बोला कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे बाहर निकाल के गेट बंद कर लिया। मैंने तुरंत थोड़ी ना कहा था, कह रहे नहीं हम निकल अब आईपीएस बन के आइयो। मैं ठीक है आके अरेस्ट करता हूँ तुम सब। तो हमारे उस फ्लैट का नाम 5 स्टार था, तो मैंने अपना 1 स्टार उतार लिया उसमें से। मुझे तो कंधे पे भी लगाना था ना अभी जाके। तो किसी ने बताया तैयारी मुखर्जी नगर में होती है, मैं वहां चला गया। जो लोग नहीं गए कभी मत जाना, और जो लोग वहां रहते हैं बताना मत। वैसे एक रोड है सीधी, बस वही है, उस पर यहां से वहां तक अखबार और किताबें बेच रहे लोग। तुम ऐसे शुरू में जाके एक तिल्ली मार देना। खत्म, मोहल्ला खत्म। और इतना मोमोज है ना उस रोड पे, पता नहीं कहां से आ रहा है, सरकार सब्सिडी पे दे रही है, जमीन से निकल जा रहा है। वहां चलते चलते पैर के नीचे मोमोज आ जाते हैं यार, जोर से सांस लो मुंह में आ जाता है कि अरे मेयो लगा के दो ना, क्या कर रहे। और तुम्हें नहीं पता कौन तैयारी कर रहा है वहां, सब कर रहे हैं, जिसका एग्जाम नहीं निकलता वो मोमोज लगा लेता। दिन जाके देखा, मैं जगह तो बहुत मनहूस है, पर कोई बात नहीं, सैक्रिफाइस कर लेंगे, आईपीएस तो बनना है। जाके ब्रोकर से बात करी, एक तो दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर, इतने ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं यार, ये आपको बेच देंगे आप ही को, कि कैश यहाँ रख दो, हाँ जाओ बेटा खुद के साथ जाओ, और खुश रहना बेटा ठीक है। मैंने कहा सर एक रूम देखना है, कह रहा आपको ऐसा रूम दिखाऊंगा मजा आ जाए। मैंने कहा आप पर्सनल क्यों हो रहे हो, सिर्फ रूम दिखाओ मजे मैं ले लूंगा। रूम दिखाने ले गया, सारी बिल्डिंग एक जैसी कभी भी गिर सकती हैं, और लिफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। हम एक बिल्डिंग में घुसे, हम सीढ़ी चढ़े और हम चढ़ते ही रहे। 3 घंटे बाद मैंने
मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा ब्रोकर भैया मजा नहीं आ रहा। कह रहा आएगा अभी और चढ़ना है। मैं कहा आप चढ़ें, मैं कर रहा हूं कोशिश। कह रहा नहीं नहीं चढ़ो। मैं कहा आप चले चलो। मैं पीछे पीछे चल दिया। भाई ये नहीं रुका, मेरे जब तक प्राण चले मैं सीढ़ियां ही चढ़ रहा था। 3 दिन बाद मैंने इसका पैर ही पकड़ लिया। मैं कहा ब्रोकर भैया सच्ची सच्ची बताना, वो वैष्णो देवी है? यहां तक आ ही रहे थे तो कटरा पे चाय पिला देते एक बार। अब अगर इससे ऊपर जाना है ना, 2 पिट्ठू मंगा लो प्लीज। अब मैं अपने दम पे तो नहीं चढ़ पाऊंगा। मेरे दोनों घुटने खुल गए यार, मेरे लेफ्ट घुटने की एब्स बन चुकी थी। ये ले जाया जा रहा है क्या? मैंने आपसे ये थोड़ी ना कहा था, मुझे एक रूम दिखाना और हत्या कर देना मेरी। अबे ये रोज करना पड़ेगा। यूपीएससी छोड़ो, इसकी तैयारी कराओ पहले। भैया जो दिखाना यही दिखा दो, भैरव बाबा तक नहीं जाएंगे। उसने मुझे रूम दिखाया, वो रूम इतना बड़ा था। ये रेड वाला पार्ट देख रहे हो, इसका आधा कर दो। उन्होंने ऐसे गेट खोला, कहता कम इन। मैं कहा वेयर टू गो नाउ? मैं कहा वेयर इज इन? कह रहा ये। मैं कहा सर हम इसके लिए चढ़ाई कर रहे थे। कह रहा ये ही है वो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी खुदा का तो खौफ कर। मैंने वो पूरा देखा। मैं कहा सर कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पे रहने के? कह रहा रेंट देना पड़ता है। मैं कहा इसका भी ले रहे हो तुम लोग? मैं कितना रेंट है? कह रहा 16,000 रुपए। मैं कितने साल का? कह रहा 1 महीने का। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा एक बात बताओ, 16,000 रुपए कैश आ जाएगा इसमें? मैं रेंट देने से पहले छिपाऊंगा कहाँ? खेरा नहीं है इसलिए महंगा, यहाँ ना लैंडलॉर्ड नहीं रहता। एक मिनट, वो यहाँ रहता तो मैं कहाँ रहता फिर? और पहली बात तो जिस पे इतनी लैंड हो उसे लॉर्ड नहीं कहते। उसे लैंड पे छोड़ देते हैं। तो कह रहा नहीं, बिल्डिंग में लैंडलॉर्ड नहीं रहता है, तो यहाँ ना तुम किसी को भी ला सकते हो। कहा फिर पर्सनल हो रहे हो यार, कौन मानेगा यहाँ आने को? किस पे होती 4 दिन की छुट्टी कि पहले 3 दिन चढ़ाई करे, फिर मौत से उभरे, फिर इस प्रॉपर्टी पे आए? और यहाँ कुछ भी होगा कैसे, ये तो बताओ। कैसे करेंगे, आओ करके बताओ मेरे साथ आज। कहाँ में से पोशंपा में खड़े जाएंगे, आप निकल जाना पीछे। सर कोई ढंग का रूम दिखा दो प्लीज, 4 दिन से साथ हैं हम लोग। किराओ बराबर वाली बिल्डिंग में दिखाता हूँ। मैंने कहा हाँ, और इस बार मैं नीचे से देखूँ। आप ऊपर जाएंगे, फोटो भेज देंगे, मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूँ। फिर हम इस बिल्डिंग से नीचे आए पैराग्लाइडिंग से, नीचे उतर के 2 मोमोज कुचले। फिर समझ में आया सॉफ्ट लैंडिंग के लिए रखे हुए इन्होंने। दिन मैं ऐसी रूम ढूंढता रहा, कुछ पसंद नहीं आया। हर बार ऊपर जाके पासपोर्ट साइज फोटो भेज देता था। मैं कहा यहाँ नहीं रह पाऊंगा यार। तो मुझे किसी ने बताया कि राजेंद्र नगर में होती है तैयारी, वहां पे चले जाओ। तो मैं वहां आ गया, राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर। हाँ ORN बोलते हैं उसको वहां पे सब। ऐसा लगता कोई फैंसी रेस्टोरेंट है। मैं गया, सेम वही और भी बुरा हाल। वहां भी सेम बिल्डिंग, वहां मेरा एक दोस्त रहता था एक्चुअली स्कूल का। मैंने उससे बात करी, उसने बोला मेरे फ्लैट में रूम खाली है, मेरे साथ शिफ्ट हो जा, मैं तुझे गाइड भी कर दूंगा। तो मैंने उससे पूछा इतनी औकात कब से होगी भी तेरी? तो कह रहा तू आ तो जा। मैं उसका शिफ्ट हो गया, मैं ब्रोकरेज बच जाएगी। उसका फ्लैट था कैलाश पर्वत के नीचे वाले फ्लोर पे। 7-8 दिन की चढ़ाई करके वहां पहुंचा, सारा सामान एक साथ लेके। मैं कब तो एग्जाम वाले दिन ही उतरेंगे नीचे। भाई इसके साथ शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होती समझ में आया लाइफ की ऐतिहासिक गलती करी मैंने। ये ना 4 साल से तैयारी कर रहा था, इस बात को 6-7 साल हो चुके हैं, अभी भी कर रहा है।
एग्जाम नहीं निकला एक बार भी दिल्ली में करोल बाग से लेकर खीर गंगा तक, एक भी गांजे का डीलर नहीं जो भाई को पर्सनली नहीं जानता, क्योंकि भाई ने सबको बता रखा जब आईपीएस बन जाऊंगा तो लीगल करा दूंगा भाई। भाई इसकी अलग इज्जत है उस मार्केट में। हम एक दिन माल लेने गए, वो कह रहा साहब आए हैं। ये साहब है कल नाली में मुंह था इनका, मैं घर लेके आया हूं। मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई गाइड कर दे, तो कह रहा बस रूटीन फॉलो करना, रूटीन फॉलो करेंगे हमारा हो जाएगा। मैं कहा तो तेरा क्यों नहीं अभी तक, कह रहा अकेला था ना रूटीन टूट जाता था। ऐसे दोनों भाई एक दूसरे को सपोर्ट करके रूटीन फॉलो करेंगे। मैं कहा ठीक, तो हमने रूटीन बना लिया। रूटीन के मुताबिक हम सुबह 11 बजे बियर पीने बैठ जाते थे, 3-4 बियर पीते हम आईपीएस बन जाते थे। मैंने कहा हाँ फील तो आ रही है, वो सितारा एक दूसरे कंधे पे लगा के देख रहे हैं, बात भी ऐसे कर रहे, ऑफिसर पीनट्स देना। भाई 7-8 बियर पी के तो पागल हो जाते थे हम। मैंने भरे मार्केट में इसकी तरफ देख के कर दिया, मैंने कहा सॉट। आसपास वालों के मोमोज गिर गए। कौन है ये तो बॉक्सर्स में सल्यूट मार रहे यार। हम एक दिन नशे में खड़े हुए ऑटो वालों के पास जाके उनका चालान काट रहे थे ओवर स्पीडिंग का। वो कह रहा हूं खड़े हैं, मैं कभी तो करी होगी, कानून से कुछ नहीं छिपता। एक तो साला हम आईपीएस बन के भी चालान काट रहे थे। हमें किसी ने बताया नहीं अलग काम होता है इनका। जब बियर नहीं पीते तो माल फूक रहे होते थे। भाई ने बताया माल फूक के कॉन्सेंट्रेशन बनता है, कह रहा एक बार जो पढ़ो वो हमेशा के लिए दिमाग में रहता है। बस ये नहीं बताया कि दिमाग हमेशा के लिए चला जाता है। मैं फूक के पढ़ने बैठा, मैंने कॉपी पर डेट डाली। एक तो मैं 26 साल का था उस वक्त, मैंने डेट क्यों डाली, कौन मेरी कॉपी चेक कर रहा है। और मैंने डेट डाली 10 फरवरी 1990 है। मैंने अगले दिन अपनी कॉपी देखी, मैंने मैं कब से पढ़ रहा हूँ भाई, इतना ज्यादा सिलेबस है क्या इसका। पूरे साल हम ये रूटीन फॉलो करते रहे। जिस दिन हमारा एग्जाम था सुबह एडमिट कार्ड लेके आया और एडमिट कार्ड पे क्रश करने बैठ गया। मैंने कहा यार कुछ तो शर्म कर ले, तेरे पापा का नाम लिखा है इस पर। जब तक इसे शर्म आती वो रोल हो गया, हमने फूक लिया, अब जाने का मन नहीं कर रहा। फिर हमने एक दूसरे को समझाया कि जाना तो पड़ेगा, देश को हमारी जरूरत है। भाई हम जा रहे थे, जाने से जस्ट पहले हमने शुभ काम के तौर पे 1-1 चम्मच दही चीनी खाई, वो इतनी बढ़िया लगी, हम आधा किलो दही चीनी खा गए। दही खा के नींद आ गई, और फिर जाने का मन नहीं कर रहा। फिर हमने एक दूसरे को समझाया कि देश को हमारी इतनी भी जरूरत नहीं है, अगले साल चलेंगे। हमने लगा हाँ वैसे भी इस साल इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं है कि रैंक 1 और रैंक 2 आ जाए। फिर थोड़ी देर हमारी लड़ाई हुई, हमें से रैंक 1 किसकी आएगी। तो हमें लगा कि दोनों का सेम रूटीन फॉलो किया, सेम रैंक आएगी। तो दोनों की रैंक 1 आ गई, दोनों एक दूसरे को कांग्रेट्स ऑफिसर बोल के सैल्यूट मार के सो गए। एक तो जो भी अपने पेरेंट्स आए या फिर पेरेंट्स के साथ आए ना, तो मैं बस पेरेंट्स को बता दूं कि फूक के मीठा अच्छा लगता है। कंटेक्स्ट दे रहा हूं बस जोक का, और कुछ नहीं। तो अगर आपका बच्चा रात को 5 स्टार मांगे तो वो क्यूट नहीं है, भंड घूम रहा घर में। फिर 3-4 दिन बाद हम होश में आए, तो हमने सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी शुरू करी। मैं इसको बोला, मैंने कहा भाई इस साल में बहुत सीरियसली पढ़ूंगा। कह रहा मैं तो हर साल सीरियसली पढ़ता हूँ। मैं कहा अच्छा सॉरी माय बैड। भाई एक दिन उसकी बुक्स देख ली, सच में बहुत सीरियसली, सेम बुक 2-2 ले रखी इनने। भाई एडिशन भी अलग नहीं था वो। मैं कहा 2 क्यों लेता है, कह रहा एक से पढ़ता हूँ एक से रिवाइज करता। मैं कहा ऑफिसर रैंक 1 आप रख।